हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निराक्षी तनीमा और आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी होना। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि गर्मी के अंदर बहुत कॉमन होता है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि हीट एक्सपोजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा फीवर की वजह से या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, अगर वो अपना पानी का इंटेक सही नहीं रखते हैं तो। उसके अलावा कोई भी डिजीज़ कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ हैं वीकनेस और नींद आना, इसके अलावा मुंह का सूखना यानी कि ड्राई माउथ, इसके अलावा डिक्रीज यूरिन आउटपुट यानी कि जो मूत्र है उसका आउटपुट जो है वो नॉर्मल से कम होना, उसके अलावा जीभ जो है उसमें सूजन आ जाती है जिसे हम स्वॉलन टंग भी कहते हैं, उसके अतिरिक्त प्यास बहुत अधिक लगती है यानी कि थर्स्ट जो होती है उसकी फीलिंग इंक्रीज हो जाती है। और एक और चीज़ इसमें सिम्टम में हम इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर है डिजीनेस यानी कि सर भारी होना या फिर चक्कर आना, ये सब हैं डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स। अब डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, पहली चीज़ अब अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। सबसे पहले अगर आप पानी पी रहे हैं, कभी भी पानी का सेवन एक साथ ना करें, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पानी सिप कर करके पीना है यानी कि घूंट घूंट करके पानी पीना है, ना कि एक साथ एक गिलास पानी या दो गिलास पानी पीना है। दूसरा ट्रीटमेंट आप आइस चिप्स को यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। तीसरी चीज़ फ्लूइड्स ज़रूर मेंटेन रखें बॉडी के अंदर, वो आप किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, वाटरमेलन का जूस पी सकते हैं, उसके अलावा कुकुम्बर का सेवन कर सकते हैं और इसके साथ ही टोमेटोज़ यानी कि टमाटर अधिक मात्रा में लेकर के, लेकिन जिन लोगों को गठिए की प्रॉब्लम है, जिनका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, वो टमाटर का सेवन करते समय ज़रूर ध्यान रखें कि वो कितनी मात्रा में टमाटर का सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टमाटर का सेवन यूरिक एसिड जिन लोगों को है वो नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पपाया, जी हाँ, पपीता जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है वाटर का और डिहाइड्रेशन को काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। इसी के साथ पाइनएप्पल भी आप यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए। तो ये तो थी बात डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी किस तरीके से आप डाइट के अंदर पूरी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें होंगी न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।